यहाँ पे एक और कमरा जा रहा नीचे, खोलने की कोशिश की जा रही है। रहस्यमय तहखाना जो कि पुराने किले में है भाई। ये देखो ये है वो, और यहाँ पे ये देखो गुफा। सो हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आया हुआ हूँ पुराना किला। मैं आपको दिखाऊंगा कि दिल्ली के पुराना किला के बारे में आपको आज दिखाने वाला हूँ। तो अभी यहाँ पे मैं इस गेट के सामने खड़ा हूँ, किले के सामने। ये पुराने किले का गेट है। तो अभी अंदर चलते हैं और देखते क्या सिस्टम है अंदर। पुराने किले का गेट है, बहुत मस्त लग रहा है बाहर से देखने में, बहुत बड़ा है। ओ भाई, इसकी जो इसमें स्टार्स वगैरह बना रखे है, ये देखो बड़े बड़े पत्थरों से बना रखा है किला, मस्त लग रहा है एक नंबर का। अंदर चलते हैं, मेरे साथ एक और लड़का है, ये मेरा भाई है। अंदर चल के देखते क्या कैसा क्या सिस्टम है। गेट इतना बड़ा है भाई साहब, दो अबे एक देखो कितना बड़ा गेट है, मतलब एक पूरी दीवार के वो 4 मीटर। अंदर आ गए, अभी उधर चलते हैं उस साइड। ये थोड़ा टूट सा गया है, मतलब किला बहुत सालों पुराना है इसलिए टूट गया थोड़ा थोड़ा ऊपर से। तो गाइस, पुराने किले में ये खंडर जैसा बना रखा है, मतलब ज़्यादा इतना वो नहीं है कि बहुत ताजमहल की तरह नहीं है, मतलब खंडर जैसा ही है। ये देखो मस्त, यहाँ पे रील्स वाले भी बना रहे हैं, मतलब रील्स वगैरह बना रहे हैं टिकटॉकर्स वगैरह। तो सही है टिकटॉकर्स वगैरह। वैसे तो ये प्लेस मैं आपको बताऊँ कपल्स के लिए अच्छी, मतलब कपल्स आते हैं यहाँ पे ज़्यादा। चलो आगे चल के देखते हैं। तो गाइज, मैं अभी पुराने किले में घूम रहा था, तो यहाँ पर मेरे को एक सब्सक्राइबर मिले है, बहुत ही मेरे को देखते ही पहचान लिया। फॉलो करता हूँ, मैं आपको फॉलो करता हूँ। हाँ, इन्होंने भैया ने मेरे को पहचान लिया, कह रहे ओ श्रीवाल श्रीवाल, इन्होंने रोका। फिर हाँ श्रीवाल ऑफिशियल, फिर हाँ फिर और भैया। क्या नाम है आपका? सूरज। कहाँ से आप? गुड़गांव से भैया सूरज यहाँ पे आए हुए घूमने के लिए। तो गाइज, यहाँ पे इतने सारे कमरे बना रखे हैं और यहाँ पे ताले लगा रखे हैं, मतलब दरवाजे ताले लगा रखे। देखो ये तो पुराना हो, इसका पेंट मारना है। पता नहीं अंदर क्या है, बहुत सारे बहुत पीछे तक वहाँ तक है कमरे, मतलब जैसे ही आप गेट के अंदर घुसोगे ना तो लेफ्ट साइड में ही है बहुत सारे तहखाने तो नहीं है, कमरे से ही है, पता नहीं क्या रखा। हाँ, सीढ़ी लगी हुई है अंदर, कुछ सामान रखने की सामान है अंदर। तो गाइस, ये जो पुराना किला है, यहाँ पर जो ये क्या, रुक जा, यहाँ पर ज्यादातर कपल देखने को मिलेंगे आपको। ध्यान से देखोगे तो पीछे ये देख रहे हो आप, ये जूम तो नहीं कर पाऊंगा मैं, फ्रंट कैमरा ऑन। हाँ, तो ये मान लो कि ये ना वो जो है ओयो है ये इनका उत्तर क्या चक्कर। तो गाइज, अभी यहाँ पर एक सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे जा रहा है भाई, मतलब नीचे जाने का रास्ता है, तो इसमें चल के देखते क्या है। मेरे को थोड़ा डरावना सा लग रहा है, अगर रात के टाइम पे यहाँ आओगे तो बहुत ज़्यादा डर लगेगा, बहुत ही सुनसान लग रहा है। तो अभी अंदर चल के देखते क्या सिस्टम है इसमें। अबे मेरे को लगा यहाँ कमरे होंगे, यहाँ पे गाइस देख सकते हो कुछ भी नहीं है, बस यहाँ दीवार में वहां से देख रहा तो मेरे को लगा कमरे है यहाँ पर, लेकिन ये दीवार बना रखी है यहाँ पर। ओए, यहाँ भी दीवार है, मेरे को लगा यहाँ कुछ। और ये देख सकते हो कि अपना जो दरवाजा होता है ना उस पे कपल्स ने नाम लिख दिया सब, वही जो हर जगह की कहानी होती है, आंसू लव यश, मतलब लड़की होगी आयशा, और ये हर जगह नाम ही नाम। वो वहाँ पे इतना बड़ा मस्त ऊपर से देख सकते हो कि एक बार दिखाता हूँ, ये देख सकते हो कारीगरी ऊपर से। ये खिड़की है, ये खिड़की बना रखी है, ये इतने बड़े बड़े पत्थर। Thank you.
तो गाइस अभी हम ऊपर आ चुके थोड़ा सा, और अब यहाँ पे ये थोड़ा बना रखा है, मतलब ऐसी थोड़ा ऐसे यू टर्न ले रहा है तो वहीं से जा रहे हैं। कचरे के डिब्बे रखे हुए यहाँ पर। तो गाइस हम अभी ये थोड़ा आपको दिखाया, जैसे कि पीछे जैसे मैंने ये पुराना किले का मतलब ऐसे ये अंदर, जैसे बाहर से तो आपको दिखेगा कि कमरे है अंदर, अंदर वो मतलब अंधेरा सा है, उसमें नीचे उतर के देखा तो कमरे होते नहीं है। तो ये भी यहाँ से एक ट्रेल सी जा रही है, मतलब कि क्या बोलते हैं, रास्ता सा जा रहा है, तो उसी के ऊपर से जा रहे हम। वो हमको जाना है पीछे, ये किसकी कब्र है शायद। ये बहुत सारे ऐसे बना रखे पता नहीं टीले से, पता नहीं मेरे को कब्र है कि क्या है ये। ओ भाई कप्पल भी हैं इतने, मतलब कप्पल के लिए शेर सिंह शेर शाह सूरी ने बनवाया था ये, और यहाँ पे अब कप्पल आते हैं। और अभी रास्ते पे हम चले जा रहे और ये जो है इनके ख़त्म ही नहीं हो रहा, बहुत सारे पत्थर ही पत्थर यहाँ पे लगा रखे हैं, और यहाँ ना सुरंग सी बना रखी है, लेकिन ना ये देखो इस टाइप से सुरंग सी है, लेकिन अंदर कुछ होता नहीं है, कमरे है नहीं कुछ भी। कप्पल यहाँ पे गार्डन सा है, तो कप्पल ही कप्पल बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो गाइस बहुत आगे चलते चलते यहाँ पे ऊबड़ खाबड़ सा, वो ऊबड़ खाबड़ मतलब ना बहुत, जहाँ से हम चल रहे आ रहे थे ना वहीं से चलते आ रहे हैं, और ऊबड़ खाबड़ रास्ता आ गया। आ गए है ये पूरा इसका जो महल था, क्या बोलते हैं, शेर सिंह सूरी का जो असली जो था, इस यही होगा असली इसका स्ट्रक्चर। तो हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, अब अंदर चल के दिखाता हूँ मैं आपको। उतरते हुए नीचे भाई, एडवेंचर हो रहा है, एडवेंचर भाई, झाड़ियों में एडवेंचर। ये झाड़ियाँ, तो यहाँ पे ये जो बड़ा सा आपको दिख रहा होगा पीछे, ये जो बिल्डिंग मैंने आपको दिखाई थी अभी, तो उसी के नीचे कमरे से बने हुए हैं। तो यहाँ झाड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा, तो अंदर चल के दिखाता हूँ मैं आपको क्या है यहाँ पर। अब यहाँ तो ये वाइट सामना तो सीमेंट सी पड़ी है, काम चल रहा शायद, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ये देख वाइट सीमेंट सी, और ये वहाँ सामने दीवार है, और नीचे की तरफ कोई आता नहीं है, सब ऊपर ही रहते हैं। मैं आपको दिखाने के लिए सिर्फ ये आया हूँ। और यहाँ पे एक और कमरा जा रहा नीचे, ये देखो ये है वो, और यहाँ पे ये देखो गुफा से, लेकिन मैं इसमें जा नहीं रहा, हम उसमें नहीं जा रहे, नीचे वाली गुफा में कुछ नहीं है, वहाँ पे अड़ंगा और कचरा पड़ा और कुछ नहीं हो सकता। तो गाइस मैं आ चुका हूँ यहाँ पर, बिल्कुल ये जो स्ट्रक्चर है इसके सामने खड़ा हूँ, और यहाँ पर ये वो मिला है मेरे को कुआं, इस कुएं में लोग सिक्के फेंक देते हैं, सोना चांदी खजाना समझ लो इसमें, और इसमें सिक्के फेंक रखे, क्या बोलते हैं ये सिक्के पड़े हुए यहाँ पर खजाना, ये आज के जमाने का खजाना। और ये यहाँ पर क्या है, ये छोटा गोला सा बना हुआ है, पता नहीं फुआरा सा, ये फुआरा सा कुछ बना हुआ है, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा इसमें से पानी आता होगा। तो इसकी कारीगरी देखो, आपको मैं कारीगरी दिखाता हूँ इसकी, पुराने किले की। ये देखो ये क्या मस्त बना रखा है, मतलब कारीगरी इतनी अच्छी है कि क्या बताऊँ। ऊपर एक छोटी सी खिड़की बनाई हुई है, और साइड में भी खिड़की बना रखी है, उधर भी खिड़की है। अभी अंदर चल के देखाता हूँ मैं आपको कि क्या है अंदर, ये जो पुराना किला है इसके क्या राज है। ऊपर देखो, ऊपर दिखाता हूँ, बहुत ही अद्भुत कारीगरी कर रखी है इन्होंने, और ये भी इधर भी है, स्टार बना रखा है, स्टार एक नंबर है। और ये मतलब दिखा, मतलब वो है दरवाजे, मतलब है तो दीवार ही, ये खुलता नहीं, मतलब वो है दरवाजे की, ये दरवाजे, हाँ ये उर्दू में कुछ लिखा है, हमें समझ नहीं आया, ये उर्दू में कुछ लिखा हुआ है, हमें मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या है, जो उर्दू जानते हो वो पढ़ लेना भाई,
और ये मेरे को लगता है ये भी उर्दू ही लिखी है, ये देख। हाँ ये कुछ ना कुछ रहस्य वही चीज में आ गया मैं तो। ये पढ़ लेना, मतलब जो पढ़ना जानता है उर्दू जानता हो। ये दरवाजे की बस वो बना रखी है इन्होंने ये, लेकिन ये खुल पत्थर है, खुलता नहीं है। ये मतलब तीन चार वो बना रखे, तीन चार बड़े बड़े गुंबद से बना रखे हैं। वो वही है, मतलब स्ट्रक्चर वही है, बाहर से देखने में महल जैसा लगता है, पुराना किला। जो मेन जो है ये, और ऊपर जो है आर के झालर सी बेल सी लटकी हुई है, और यहाँ पर सब फोटो खिंचवा रहे लोग। गाइज मैं बता दूं आपको कि आज ना संडे है, और संडे के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है यहाँ पर। मतलब संडे के दिन ज़्यादा ही रश है, बहुत ज़्यादा। पीछे देखो, दिखाता हूँ, ये देखो कितने ज़्यादा लोग आ रखे हैं, बहुत सारे लोग आ रखे हैं, क्योंकि आज संडे था। वीकेंड के दिन थोड़ी ज़्यादा भीड़ रहती है। अभी हम थोड़े फ़ोटो वोटो खिंचवा लेते हैं कि मतलब खींच लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। यार ये है वो मेन स्ट्रक्चर ऑफ पुराना किला। तो ये है उसकी दीवार गाइस, ये देखो कैसे पक्के चल रहा है। ये उसका वो खोलियो, ये ताला लगा हुआ है गेट के अंदर, ताला लगा हुआ है। अबे नहीं खुला हुआ, अंदर ताला लगा हुआ। वैसे देख रहा दरवाजे में, ये तो सही लगा, मजबूत है, है लकड़ी का भाई, हाथ में लग गया। और ये खोलने की कोशिश चल रही है। अबे ये भी लकड़ी है, वो लकड़ी नहीं, वो पत्थर है। पत्थर है, अच्छा पत्थर है। खोलने की कोशिश की जा रही है, रहस्यमय तय खाना जो कि पुराने किले में है। मजा आ रहा, सीन मस्त लग रहा है। इसके ऊपर वो बंदे खड़े रहते होंगे, उसके वो गार्ड, शेर शाह सूरी के भाले लेके, यहाँ पर जो उसके गार्ड खड़े रहते होंगे। वैसे ज़्यादा बड़ी इमारत है नहीं ये, है ना? आपको ये पता है इसके बारे में? इसके बारे में मुझे पता नहीं, पुराना किला ओवरऑल के बारे में पता है। हाँ तो थोड़ा बता दो कि हमारे दर्शकों के लिए। अरे यार आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, बताओ बताओ बताओ। हाँ बताओ, इसके बारे में आप क्या जानते हो? आप पहली बार आए हो यहाँ पर? नहीं, दूसरी बार आए। अच्छा दूसरी बार आए हो। हाँ तो ये क्या है, किसने क्या कैसे बनवाया? पुराना किला एक्चुअली है तो बहुत पुराना किला ये। अच्छा। इंद्रप्रस्थ जो वो था महाभारत में, उससे रिलेटेड भी ये। तो अच्छा। जो हम हिस्ट्री में डिमार्केट करते हैं टाइम फ्रेम, वो ग्रेवियर्स के हिसाब से करते हैं। तो पेंटेड ग्रेवियर जो महाभारत के टाइम का था, वो भी यहाँ पे मिला हुआ है। और ये शेरशाह सूरी का बनाया हुआ किला है। हाँ शेरशाह सूरी का बनाया हुआ किला है। अच्छा, और इंद्रप्रस्थ का मेन वो था ये। इंद्रप्रस्थ जैसे वहाँ की राजधानी थी ये, कौरव। हाँ, पांडवों की राजधानी। तो गाइस अभी मैं इसके आगे आ चुका हूँ, वो जो बिल्डिंग है उसकी, वो वहाँ रह चुकी है। तो गाइस पुराना किला अभी उस साइड रह चुका है। यहाँ पे बड़ा सा गार्डन टाइप सा बना रखा है, और तिरंगा भी लगा हुआ है यहाँ पर अपना, ये रख तिरंगा। बस घूम रहे हैं यहाँ पर, और इधर भी गार्डन है मस्त, ग्रीनरी। भाई पेड़ भी मस्त लगा रखे, मतलब पेड़ देखो आप, मतलब जो स्ट्रक्चर है ना वो बहुत बना के रखा हो एकदम, मतलब जो गार्डनर्स है माली वगैरह है ना, मस्त काट रखे, कटे हुए पेड़ मस्त काटे हुए, देखो क्या मस्त लग रहे हैं। ओहो ये झाड़ियाँ एकदम काटी हुई है इन्होंने, गार्डनर माली वगैरह ने। और यहाँ पर भाई साहब कप्पल बैठे हुए हैं, यहाँ पीछे देखो कप्पल जितने सारे, क्या बताऊँ। जल्द से जल्द सब्सक्राइबर्स बढ़वाओ। तो गाइस मेरे को यहाँ पे सब्सक्राइबर मिल चुके हैं,
ये वही सब्सक्राइबर जो मैंने अभी सब्सक्राइब करवाया था जिनको, वो दोबारा मिल गए मेरे को यार, हमें भी वीडियो में लेकर आओ यार। ये दोबारा मिल गया मेरे को। क्या नाम है भाई आपका? भाई करण नाम है भाई। अच्छा करण, आप पहली बार आए? हाय माय नेम इज इमरान। दूसरी तीसरी बार आए? इमरान खान और करण मिले यहाँ पर। हाशमी लगा दो तो इमरान हाशमी। इमरान हाशमी लड़की की किस ज्यादा लेता है इमरान हाशमी। तो कैसा लगा आप जा रहे हो वापस? कैसा लगा? काफी अच्छा लगा। हम आए बस लग पकोड़े से हो गए। गर्मी कुछ ज्यादा है वैसे। मैं मेरे को मतलब ज्यादा खास नहीं लगा, लेकिन बस ये है कि हाँ ठीक है, देखने 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 का देखने देखने के लिए बस। अपलोड ना वो ये खास नहीं बहुत ज्यादा अपलोड करो। मतलब मैं जा रहा हूँ सुरंग में, मेरे को लग रहा भाई अंदर जैसे कमरे से होंगे, लेकिन अंदर दीवार बनी रहती है वहाँ पर। इतना है यार, बस दिखावा सा है दिखावा। अब हम वापस जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं, बाहर बाहर जा रहे हो। इसका गेट इतना बड़ा है भाई साहब, ये देखो लकड़ी का गेट इतना मजबूत। पक्की लकड़ी है, पक्की लकड़ी है, लकड़ी कम से कम बहुत हजारों साल पुराना महल का, बहुत पहले का। दीमकपुरू। तो गाइस ये था पुराना किला जो मैं अभी दिखाया आपको। ये पुराना किला से अब आ चुके हैं बाहर। ओके बाय गाइस, ओके बाय, टाटा।